नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में और आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। तो भाइयों, पिछले पार्ट में हमें जो फाइनल मेमोरी है उसका लोकेशन पता चला था इसके थ्रू। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की बट मुझे मिली नहीं, लेकिन फाइनली मुझे इंटरनेट पर देखना पड़ गया था और यहाँ पर मैं पहले भी आया था मेमोरी ढूंढते ढूंढते इंटरनेट से देखते। ठीक है, तो ये जहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है मैंने, वहीं पे है ये मेमोरी। तो भैया टाइम नहीं बर्बाद करने का, इंटरनेट से देख लेने का, 100% कंप्लीट करना है। ओ ये रही मेमोरी। तो अभी कुछ ही चीज़ें बाकी है इस गेम में करने के लिए। एक तो लॉर्ड ऑफ द माउंटेन, जो कि साला मिल नहीं रहा है मुझे, 4 करोड़ साल हो गए। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तभी टेम कर लेना चाहिए था उसको। बोकुलो कैसे आ रहे हैं देखो मेरी तरफ। बुक बुक बुम बुम। ओके, तो ये सारा जो गदर मचाया है ये लिंक ने ही मचाया है। ओ अभी ढूंढ रहा है हमें। ऐसे छोड़ देगा ज़ेल्डा तुझे अकेले? लिंक हुए अपना। ओ ट्राइफोर्स यूज की है पहली बार। ओ कि कैनन का वो जो चला गया उसके अंदर से। नाइस, ट्राइफोर्स अच्छा फोर्स है मतलब कि। आई लव दिस म्यूजिक। लिंक गेट अप। वो कोरोना हो गया उसको। फर्स्ट टाइम ज़ेल्डा ने लिंक को बचाया। The sword. So he can still be saved. Princess! Oh, निंजा लोग आ रहे हैं काकुरिको विलेज के। Princess, are you all right? Take Link to the Shrine of Resurrection. If you don't get him there immediately, we are going to lose him forever. Is that clear? So make haste and go. His life is now in your hands. ज़ेल्डा को पहली बार मैच्योर दिखाया इस पूरे गेम में, नहीं तो हमेशा वो रोते रहती है ये सब। लेकिन अच्छी मेमोरी थी यार, आई लव इट। कैसे उसने ट्राई It is now time for you to defeat Ganon. Yes, Zelda, I'm coming to save you. बचे रहना बस। Nice यार, मतलब हम लोगों ने मेन क्वेस्ट तो कंप्लीट कर लिया है। मुझे क्या इम्पा के पास वापस जाना है क्या एक बार? लेकिन लेट्स चेक इट आउट। काकुरिको विलेज इम्पा के पास जाके देखते हैं कि क्या बोलती है वो। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन ना, मेरा नाम है इम्पा। वाह 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 वाह। तो अभी गैनन को मारना है ठीक है, और लॉर्ड ऑफ द माउंटेन है, और जो अपने आर्मर्स है उनको भी वो करना है। बहुत सारा काम करना है भाई लाइफ में। आर्मर्स पता नहीं यार मैं अपग्रेड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा।
ड्रैगन फार्मिंग करना है। मे बी मैं गैनन को मारने के बाद करूँ वो चीज़। इम्पू काल चाल है भाई, अभी तक रिंकल है तेरे चेहरे पे। इट सीम्स यू हैव विजिटेड ऑल द लोकेशन। ओके सो मत जा भाई, उठ जा, शिलाजीत कैप्सूल खाए कर, अच्छा लगेगा। 100 ईयर्स अगो यू एंड द प्रिंसेस वेयर क्वाइट क्लोज। यू आर अ कम्फर्ट एंड एन एनकरेजिंग प्रेजेंस टू हर एज शी स्ट्रगल ईच डे टू फुलफिल हर डेस्टिनी। दैट इज़ वाई शी बिलीव्स इन यू एंड वाई शी हैज़ द स्ट्रेंथ टू फाइट गैनन ऑल अलोन। ओके अकेले लड़ाई लड़ रही है वो। लिंक द प्रिंसेस प्लीज हरी एंड सेव हर प्रिंसेस। शी हैज़ बिन फाइटिंग ऑल अलोन फॉर 100 ईयर्स। क्या बात है, 100 साल से गैनन के गिरफ्त में लेकिन वो फाइट कर रही है। दिस इज़ वेरी नाइस। आए भूत बंद करके चला गया दरवाज़ा। ओके तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग अच्छा वाला एरो ले ले यहाँ जाकर, जो कि मेरा एंशियंट एरो है। मेरे पास सारे मटेरियल है वो सब लेने के लिए। एंशियंट एरो बोलता हूँ, एंशियंट बो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है अगर मैं शायद इनके साथ फाइट करूँगा। और थोड़ी बहुत अपन वो भी ले लेंगे, क्या बोलते हैं, एंशियंट एरो भी ले लेंगे। अच्छा लगता है मुझे एंशियंट एरो लेना, आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। गाइस फाइनली हम लोग जाने वाले हैं फाइट करने के लिए कैनन के साथ। ओके लेट्स टॉक टू व्हाटएवर हर नेम इज। इतना एक मिनट एक सेकेंड ना, 5 वाला ले लेंगे अपन। लेकिन पहले मुझे देखना है एंशियंट के लिए, वो मेरे पास है यार जायंट कोर। डू नो रूम इन द इन्वेंट्री। ओके नाइस, थैंक यू सो मच। किसी एक को डिच करना पड़ेगा, मेरे पास कितने सारे गोल्डन बोज हैं, उनमें से एक को डिच कर सकता हूँ मैं। आई थिंक फैल्कन बो को कर देना चाहिए क्या। हाँ फैल्कन बो को मैं डिच कर सकता हूँ, ड्रॉप इट। ओके एक और ले लेना चाहिए क्या, दो ले लेना चाहिए अपने को, है ना। तो एक इसको भी डिच कर देंगे अपन, डिचू हैं बहुत बड़े। Let's buy, make exchange, nice, बहुत सारे arrows बना सकता हूँ मैं ancient वाले। 15-20 ले लेता हूँ कम से कम, है ना, काम आ जाएगा। अगर आप लोग एकदम tricky situation में रहेंगे तो ही use करेंगे इसको। ओके कितने हो गए मेरे पास, 20 हो गया, नाइस। ये यार मुझे यूज़ करने का मन कर रहा है बट पता नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं। एंशियंट शील्ड भी अपने पास, बट हम ये लेने वाले हैं 2। ओ पैसा बहुत जा रहा है भाई, मैं तो देखा ही नहीं था। ओके है हमारे पास काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा तो नहीं है, अभी सब खत्म हो गया। थैंक यू थैंक यू। ओके लेट्स गो, एक बार लास्ट में लॉर्ड ऑफ द माउंटेन को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर है, यहाँ से पता चल जाएगा हम लोगों को। यही एक चीज़ जो है ना मुझे खटक रहा है पता है इस पूरे गेम में, इस साला इतना ज़्यादा रैंडम और इतना ज़्यादा रेयर है ना ये, यह आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ओके लेट्स सी, यहाँ से ऊपर से दिख जाएगा अगर लाइट जलते रहेगी तो। नहीं लाइट नहीं चल रही है। थैंक यू सो मच मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए और आप लोगों का भी टाइम बर्बाद करने के लिए। तो अभी गन्नू सिंह के पास चलते हैं अपन, गजेंद्र पांडे के पास, धोते हैं उसको। पता नहीं मैं किस, मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं उस चीज़ के लिए, बट मैंने बहुत सारे ये खाए हुए हैं, खाए नहीं बनाए हुए फूड जो हाई लेवल फूड्स है। थोड़े अटैक वाले मैंने फूड बनाए हुए हैं, थोड़े डिफेंस वाले भी बनाए हुए हैं, और मेरे पास मेरा ओपी आर्मर तो है ही, एशियन आर्मर। आई थिंक वी कैन डू दिस। हाँ टेंशन मत लो, टेंशन ना नहीं लेने का, इधर जाने का नहीं है भाई, इधर जाने का है FFG खाता है घी। ओके
अभी भी गलत जा रहा हूँ क्या? नहीं, अब ठीक जा रहा हूँ शायद मैं। अभी वॉल पे चढ़ेंगे अपन मस्त वाला। द रूक्स प्रोटेक्शन इज रेडी। ओके, ओ त्रिका चेस्ट का दे रहे हो भाई? ओ फायर एरो। एरो का सिचुएशन कैसा है मेरा अभी? ठीक है मेरे पास। ओ तेरी, ओ भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहूँ तो वो अंदर वाले श्राइन में जाकर वो कर सकता हूँ, है ना? एंशिएंट स्क्रू। एक काम करते हैं यार, अपन यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग निकल बाहर निकल के ना आराम से ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। लोकेशन तो ऐसे ही मैप में दिया हुआ है कि कहाँ पर है वो। यही लास्ट श्राइन था जो मैंने किया था। बाबरे इतना खुश हुआ था ना मैं, 120 श्राइन करना, बापरे बहुत पेशेंस लगती है एक्चुअली 120 श्राइन करने में। बट काफ़ी मज़ा आया यार इस गेम में। आई होप कि जो सेकंड पार्ट है इसी तरीके से फन हो। टू मच फन नो। ओके बू, आई एम कमिंग टू यू। मेरे को मत मारू रे। इनसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देख रहे म्यूजिक सुनो भाई, म्यूजिक और कुछ मत सुनो लाइफ में। रिवॉल्विंग गेट मेरे पास दो बचा हुआ है, ये पड़ेगी मेरे को, बोला था। ओ तेरी, अभी हो गया था मेरा काम। ओके, आप लोगों को शील्ड दिखाता हूँ मैं। ओह अच्छा हुआ नहीं दिखाया मैंने। ओ बच गया मैं ज़बरदस्त तरीके से। ओके तो एक बार मैप देख लिया जाए यहाँ पे क्या सीन है। मैं यहाँ से चढ़ के ओके आराम से पहुँच सकते हैं यार अपन, टेंशन वाली बात नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि हमारी स्टैमिना जो है ना अल्टीमेट है अभी। मैं इनको अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे फालतू का पंगा नहीं चाहिए लाइफ में। ओके वो अभी भी एक्टिवेटेड है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे लेकिन नहीं करेगा मैं। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसे मारने का नहीं मेरे को। पिच डोंट किल मी लाइक दैट। वहाँ पे भी कुछ माल दिख रहा है मुझे, माल के लिए नहीं रुकना है, ऑलरेडी अपन ने बहुत माल इकट्ठा कर लिया है। हाँ नहीं मैं सो अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है क्या? ओके आई थिंक अपन यहाँ पर चढ़ सकते हैं फिर उसके बाद जा सकते हैं। आई एम एक्साइटेड एंड फ्राइटेंड एट द सेम टाइम। देख लेते हैं कुछ अच्छा माल मिल गया तो। ओ कोरॉक है, नाइस। चला यार मैं मैंने पता बहुत कोशिश किया पता कि मैं कोरॉक को सर्च करूँगा लेकिन मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा ग्राइंड है पता है कोरॉक्स के लिए। ओ भाई यहाँ पे कैसा मतलब मौसम ही चेंज हो गया। ओ ओके तो मैं इसके द्वार पे हूँ, आया तेरे दर पे दीवाना टाइप पे, नाइस। अब मुझे ये नहीं पता कि गैनन के अगेंस्ट मेरा जो एंशिएंट आर्मर है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि क्या बोलते हैं अपना बाकी कोई आर्मर। ओयो तेरे दर पे दीवाना। ओ सैंक्टम। ओके क्या हाल चाल है भाई गैनन? ओ तेरी दिल है गैनन का, मेरी चिल्डा को छोड़ दे प्लीज। हाँ चिल्डा बोल ना। हाँ हाँ बोल। यार ऐसा मत कर यार तू। ओ हो
ओहो लेजर मार रहा है, तो ये तो क्या किड बू की तरह जिंदा हो रहा है क्या, ये बू की तरह माजिन बू की तरह। ओ ये कैनन है अल्टीमेट। हाँ तो ग्लाइडर निकाल। हाँ अच्छा लड़का है। होली शिट ओके बुलेट टाइम बुलेट टाइम। क्या मकड़ी है ये अजीब टाइप की। नाइस डिजाइन अच्छा बनाया इसका, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है। ओके कैलामिटी कैरन यस वी आर फाइटिंग इट जी जी। नाइस तो ये लोग हमें हेल्प कर रहे हैं अब उसको वीक करने के लिए। ओ बीफा रुक सारे लोग कामे आमे मार रहे हैं मस्त वाला। अच्छा लगता है ऐसा कामे आमे मार। ओहो अरे पुसा इसका ये चीज अच्छा लगता है ना, चुटकी बजाती है और सब चीज हो जाता है। नाइस वो अच्छा ये लोग उस पे एम करके रखे हैं तो ये पड़ेगा इसको मस्त वाला जबरदस्त तरीके से। जी जी वो उसकी हेल्थ आधी कर दी जबरदस्त। ओके तो इसलिए वीक किया उसने, और अगर मैं डिवाइन बीच के बिना यहाँ पर आता तो इसकी हेल्थ पूरी रहती फिर अपन वो नहीं कर पाते। एनीवेज ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि इसके सारे हाथ में वेपन्स हैं। बट लिंको इज रेडी। ओके ओके पॉज करने दो भाई। हाँ सॉरी एनीवेज तो मुझे शायद एंशिएंट बो जो है मेरा काम करेगा इसके अगेंस्ट। ये 5 वाला लेना चाहिए मुझे। एक ये मार के देखूँ क्या एंशिएंट एरो। वो नाइस ओके अपन ओके आग चला। ओ भाई ओहो अच्छा मैं ऊपर वो करने का टाइम आ गया। अच्छा सॉरी सॉरी मुझे अटैक पैटर्न समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। रिटर्न किया मैंने। हाँ यस जबरदस्त रिटर्न किया। हाँ बेटा ओके उड़ रहा है। ओ कैसे चल रहा है ये तो देख के ही मजा आ रहा है इसको। इलेक्ट्रिसिटी ओके इलेक्ट्रिक रॉड्स में यूज कर सकता हूँ कोई टेंशन नहीं मेरे को। पेट में मारूँ क्या इसके। ओ पेट में असर नहीं हो असर होती है यार थोड़ी सी। ओके नॉर्मल एरोज भी यूज करके देखेंगे अपन लाइक बॉम एरो आई थिंक। ओके ओके ये अच्छी बात है बॉम एरो से देख रहे हो थोड़ा सा ये असर हो रहा है। ओ कुछ हुआ। ओ भाई ये तो जूस बन गया क्या ये जूस वाला। ओके यहाँ उड़ सकता हूँ मैं। वो नहीं उड़ सकता सॉरी वेरी वेरी मच नहीं उड़ने के लिए। ओके बच गया मैं कैसे तो रिबाउंड करने की कोशिश करेंगे अपन। यस वेरी गुड। ओ मैं मार सकता हूँ इसको।
ओके भागो भागो पीछे भागो। अच्छा ये अभी शील्ड लगा के रखा हुआ है लड़के ने, ऐसा लड़का नहीं बनने का। ओके मैं ज़्यादा होशियार नहीं बनता, मैं खा लेता हूँ अपना मस्त वाला स्क्यूअर जो है, पर मैं चाहूँ तो अटैक बढ़ा सकता हूँ यार, मैं है ना, मेरे पास ये वाला सी फूड है जो कि हाई लेवल अटैक बढ़ाता है मेरी। ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था एक्चुअली। रिटर्न किया ज़बरदस्त, तो मैंने सीख लिया भाई मस्त वाला, रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं। ओ बहुत ज़बरदस्त है हाई लेवल अटैक वाला जो है। ओके बच गया मैं, यहाँ से अपन ओके इसको पढ़ ही नहीं रही है एक्चुअली। ओके डायरेक्ट प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ गया मुझे क्योंकि मेरा टाइम पे नहीं रिबाउंड हो पाया। ओके इतना बुरा नहीं है ये एक्चुअली फाइट, स्पेशली आपके पास डिवाइन बीस्ट हो ना तो फिर तो बहुत ही ईजी है ये फाइट। ओ मैं अभी भी खेल रहा हूँ क्या? हाँ तो कहाँ भाग रहा है यार, इधर फट्टू, तेल निकल गया उसका। दांत भी कैसे सड़े हैं साला, 100 साल से ब्रश नहीं किया ऐसा लग रहा है। वो 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 व्हाट इज हैपनिंग, वो मर गया बस, इतना सा था क्या ये? नहीं नहीं मरा है। हमेशा फाइनल बॉस के दो फेस होते हैं, मतलब कोई भी बॉस के इस गेम में दो फेस होते हैं। शायद अपन सेकंड फेस पे आएंगे। ये जो डोम है ना मुझे बहुत पसंद आया। ओ कुछ हुआ, मेरे को कहाँ ले जा रहे हो भाई तुम लोग फ्री में? ओ क्या सीन है वो पीछे। Ganon was born out of a dark past. He is a pure embodiment of the ancient evil that is reborn time and time again. He has given up on reincarnation and assumed his pure, enraged form. If set free upon our world, the destruction will be unlike anything ever seen before. Whoa. Dark Beast Ganon, hated and malice incarnated. Nice. I entrust you with the bow of light. Bow of light ki kya? In the face of evil. Link, you may not yet be at a point where you have fully recovered your power or all of your memories. But courage need not be removed. ओके गाइस तो ये जो है भाई, ओके आई गॉट द बो ऑफ लाइट जिसकी 100 की डैमेज है। व्हाट द हलवा, एक मिनट आई विल इक्विप दिस। ओके ए भागने का नहीं, माउंट कर माउंट कर। ओके जिल्डा का घोड़ा जो है हम लोग इधर देख भाई, कहाँ देख रहे तू? ओके क्या पॉइंट्स बोल रहे, पिछवाड़े में मारे क्या भाई? अरे भाग। ओके मुड़ रहा है। ओके पढ़ भी रही है नहीं पढ़ रही है? अच्छा मैं डायरेक्ट मार सकता हूँ। प्लीज अबे उधर जा रिंकू,
ओके पैर पैर पे मारना है, वो गायब मत हो जाए बस। ओ शिट, गिराने का नहीं मेरे को। ओके तो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। तो वो भाई बदतमीजी करेगा, और उसके साथ साथ जब वो लाइट वाला वो आएगा ना सर्कल, उस पर अपने को निशाना मारना है। आई थिंक मैं घोड़े के बिना लड़ सकता हूँ क्या? ओके नाउ नाइस। ओ मैं तो वीकनिंग में क्या करना है अपने को, कहाँ मारूँ इसको, सर पे? ओके कहीं और आया क्या इसका? ओके यहीं पे लाइट कर सकते अपन। ओहो नहीं नहीं नहीं, कौन भाग? ओ शिट बहुत डैमेज कर। ओके नाइस नाइस, तो मुझे घोड़े की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, मैं चाहूँ तो इस तरीके से ही मार सकता हूँ। ओके ये बेस्ट हो गया, क्योंकि हिल बहुत रहा है लड़का, और इधर पेटू में है उसके, तो इसको सिर्फ इसी तरीके से डैमेज कर सकते हो आप। तो इतना हार्ड फाइट नहीं है ये, आई थिंक सेंटर मारना पड़ेगा। जी जी इट्स वर्किंग। मेरा घोड़ा किधर है? घोड़ा आ जा घोड़ू, वेयर आर यू? ओके इट्स वर्किंग बट आई एम नॉट ट्वर्किंग। कहाँ है भाई मेरा घोड़ा? हो रहा हो रहा हो रहा आ रहा है। घोड़ा सिंह पटेल, घोड़ा सिंह पटेल, घोड़ा 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 घोड़ा। ओके तो बेसिकली जब ये लॉन मूव आए। ओके नाइस, किधर है, किधर है इस बार? वो पेट में है उसके। व्हाट? ओ शिट मैं गिर के मर गया। व्हाट? नाइस, उसके लूलू में मारा हम लोगों ने। वी आर सो क्लोज। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओके इसका कलर चेंज हो रहा है। वेयर? ओ माय गॉड थैंक यू। कम ऑन, ओके क्या करना है मुझे लेकिन? ओके पूछो, यहाँ हवा मिल रही है, हवा मिल। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही चमक नहीं रहा है, क्या बात है! या तो मैं ज़्यादा ओवर पावर्ड था, या फिर ये गैनन का जो ओ आँख उसकी जल्दा है। यस ओ माय गॉड नाइस। 100 साल से थी कैनन के अंदर, लेकिन फिर भी से साफ सुथरी है हमारी ज़ेल्डा। अच्छा लगता है मुझे ऐसा। ट्राई फोर्स यूज करेंगे क्या? कम ऑन सुपर सेन ज़ेल्डा, उस भी सुपर सेन 3 ज़ेल्डा, व्हाट? सुअर की तरह दिख रहा है भैया। वो ये तो भाग रहा है यार, ये फिर से चला जाएगा क्या कहीं? का मैं ये तो बिग बैंग अटैक था, ये ज़ेल्डा का ट्राइफोर्स बिग बैंग अटैक। होली शिट, ज़ेल्डा ज्यादा पावरफुल है भाई सबसे। क्राई बेबी है लेकिन फाइनली
She learned to use her powers. Destroy Ganon is complete. जेल्डा की आवाज़ ना मुझे मिक्की माउस की तरह लगती है. मिक्की माउस जो हिंदी डब रहता है ना उसमें. ऐसे वाला मैं इम्प्रेशन तो नहीं कर पाऊंगा. I've been keeping watch over you all this time. I've witnessed your struggles to return to us, as well as your trials in battle. I always thought, no, I always believed that you would find a way to defeat Ganon. I never lost faith in you over these many years. Thank you, Link. अब तो स्माइल, ओ स्माइल कर रही है ज़ेल्डा. क्या बात है भाई, पूरे गेम में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम उसने स्माइल किया. विल यू मैरी मी? यस आई डू. टेंशन मत लो ज़ेल्डा, आई लव, आई रियली लव यू ज़ेल्डा. ओ भाई बॉस फाइट जो है ना, मुझे बहुत इजी था बॉस फाइट, लेकिन मैं भी काफ़ी प्रिपेरेशन के साथ आया था और ऊपर से मैंने अटैक वाला वो भी खाया था, तो वो अच्छी बात है ना. बट मज़ा आ गया सीरियसली इस गेम में. जो मज़ा आया ना, अभी एक दो एपिसोड और मैं बनाना चाहूँगा इस गेम का, जिसमें मैं 100% कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. आर्मर हो गया, फिर वो जो लॉर्ड ऑफ द माउंटेन, 100% इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेन स्टफ है कोरॉक्स जो है उसको तो आप नहीं कर सकते 100. ओके मैं स्किप करने के लिए स्किप कर सकता हूँ, लेकिन स्किप कर देते हैं. ये गेम सीरियसली बोलूँ तो मेरे लिए 100 out of 100 है, मतलब 100 out of 10 है ये. ओ, ये कौन सी मैम? हाँ let's investigate the situation. Okay. Mifa's father. I believe he would like to hear more about her. The least we can do is visit him and offer him some closure. Although Ganon is gone for now, there is still so much more for us to do, and so many painful memories that we must bear. I believe in my heart that if all of us work together, we can restore Hyrule to its former glory. Yeah. Perhaps even beyond, but it all must start with us. Let's be off. मुझे अच्छा लग रहा है, पता है एक्चुअली ज़ेल्डा को खुश देखकर. काला हॉर्स किसका है? Inside the sword. I suppose it would make sense if my power had dwindled over the past 100 years. I'm surprised to admit it, but I can accept that. Finally. Finally, वो अच्छे से स्माइल कर पा रही है. आई लव इट एक्चुअली. वो साइलेंट प्रिंसेस, हर जगह साइलेंट प्रिंसेस उगे हुए हैं. साइलेंट प्रिंसेस तो लिंक होना चाहिए क्योंकि बोलता ही नहीं. ओ भाई ये गेम सीरियसली बोलूँ ना, ये गेम अल्टीमेट है. मतलब हर किसी को ना लाइफ में एक बार ज़रूर खेलना चाहिए ये गेम. इट हैज़ बीन अवसम एन ऑसम जर्नी एक्चुअली जो ये गेम है. कंटिन्यू अगर मैं करूँगा, एक मिनट, वाट, एक मिनट मैं कंटिन्यू करके देखता हूँ क्या मुझे, क्या मैं सेव नहीं कर सकता क्या इसको गैनन को मारने के बाद? मुझे इसी का डर था एक्चुअली, इसीलिए मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था. ओके तो हम लोग वहाँ पे आ गए हैं वापस, और गैनन जो है उसका सारा गू जो है यहाँ पर लगा ही हुआ है, मतलब कि हम लोग फिर से फाइट कर सकते हैं गैनन के साथ आई थिंक. और मेरे सेव फाइल में स्टार आया था,
तो इसका मतलब ये है कि मैंने कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन आई कैन फाइट इट अगेन। ओके नाइस। बड़े इसका इस बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस ऑसम एडवेंचर में। एक दो पार्ट्स और बनाऊंगा या फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके सारी चीज़ों को रैपअप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत सारा ग्राइंड है तो शायद हो सकता है कि मैं एक दिन के बाद या दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद भी इसका फाइनल एपिसोड रिलीज़ करूँ। DLC के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में, लेकिन वही है फिर से मैं 50 एपिसोड नहीं बनाना चाहता तो वही है। एनीवेज गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मज़ा आया हो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये वाला जो पार्ट है डिजर्व करता है बहुत सारे लाइक्स के लिए, बट आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग।